107 News। इंदौर राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है। कांग्रेस को बीच मझधार में छोड़ने वाले अक्षय कांति बम की तीखी आलोचना हो रही है। बम की इस वादा खिलाफी से कांग्रेसी सदमे में हैं और तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कार्यकर्ताओं को हिम्मत बंधाने के लिए आज सुबह मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार इंदौर पहुंचे और पार्टी छोड़कर जाने वालों को डर कर जाने वाला बताया। वहीं उन्होंने बम को भी पुस्सी कह दिया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस वैसे ही बुरे दौर से गुजर रही है। ऐसे में इंदौर में कांग्रेस के ही प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने पार्टी को ऐसा झटका दिया कि सारे कांग्रेस से तिलमिला उठे। अक्षय की इस वादा खिलाफी के बाद से कांग्रेसी उग्र हो गए हैं और जमकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। इसी को लेकर मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार इंदौर विमानतल पर पहुंचे और मीडिया से चर्चा की। मीडिया से चर्चा में उमंग सिंघार ने भाजपा में जाने के सवाल पर उन्होंने जवाब दिया कि ये बीजेपी की आईटी सेल के द्वारा उड़ाई गई अफवाह है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के साथ कई सालों से खड़ा हूँ, कई बार ऑफर आए उस वक्त प्रलोभन में नहीं आए। सिंधिया पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि उमंग सिंघार है, कोई सिंधिया नहीं है। उन्होंने कहा कि इंदौर की जनता को तय करना होगा कि उनका वोट भारतीय जनता पार्टी को तय करना है या इंदौर की जनता को। चर्चा में उन्होंने कहा कि इंदौर में कांग्रेस के वोटर्स हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी को नियम विरुद्ध हटाया गया। उन्होंने कहा कि जो भी हो रहा है वो डर गए हैं और भाग गए हैं। कुछ लोग सत्ता के पद के लालच में जा रहे हैं, बाकी सब कांग्रेस के साथ हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस को 40% वोट चुनाव में मिल रहा है, ये सबसे बड़ा प्रमाण है। इस दौरान उन्होंने अक्षय कांति बम को फुस्सी बताया। उन्होंने ये भी कहा कि इतने साल कांग्रेस में रहने वाले राम निवास रावत भी किसी लालच में गए होंगे, वक्त आने पर ये भी पता चल जाएगा। देखिए, अफवाहें भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल की अफवाहें हैं, उस पे वे विश्वास नहीं करते और आप देख रहे हैं कितने सालों से पार्टी के साथ खड़ा हूं। कई बार ऑफर भी आते हैं, अब जब सरकार जा रही थी जब आए, जब हमने प्रलोभन भी नहीं आया तो अब तो सवाल ही नहीं। और रही बात दूसरी बात, तो उमंग सिंघार है, सिंधिया नहीं है। इंदौर की जनता को तय करना है कि भारतीय जनता पार्टी इंदौर के मतदाताओं का वोट तय करे कि इंदौर की जनता खुद अपना वोट तय करे कि इंदौर की जनता तय करे। देखिए, निश्चित तौर से कांग्रेस यहाँ पर इंदौर के अंदर वोटर है, मतदाता है, तो अगर आप कांग्रेस के उम्मीदवार को अगर आप नियम विरुद्ध हटाते हैं तो निश्चित तौर से हमको ये निर्णय लेना पड़ा। जो जा रहे हैं वो डर गए, भग गए, और कुछ लोग सत्ता की पद की लालच में जा रहे हैं, तो ऐसे लोग जा रहे हैं, बाकी कांग्रेस के साथ है। आज कांग्रेस का प्रदेश के अंदर अगर 38% 40% वोट इतने चुनाव में मिल रहा है तो ये आपके सामने प्रमाण है कि इतने सालों से कांग्रेस के साथ इतना बड़ा वोट बैंक है। आप देख रहे हैं SNN 7 News। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो सिर्फ आपके लिए एक ऐसा बिजनेस जिसके डिमांड ज्यादा और सप्लाई करने वाले कम, SIP म्यूचुअल फंड का बिजनेस। NJ इंडिया के साथ जुड़कर SIP म्यूचुअल फंड में पार्टनर बनकर पेशिव इनकम कमा सकते हैं। इसके लिए संपर्क करें अमित मिश्रा वित्तीय चिकित्सक से। संपर्क करें 9827710237 9300015005।